हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ डार्क नाइट मेटल का एक और एपिसोड। इससे पहले का एपिसोड देखने के लिए आप इस चैनल के डार्क नाइट मेटल के ऊपर बनाई गई प्लेलिस्ट पर जाएं और वहीं पर आपको इससे पहले की और इसके बाद के वीडियोस भी मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं हॉकमैन और हॉक गर्ल को, जो अपने पहले जन्मों के बारे में बता रहे थे और साथ में ये भी बता रहे थे कि उनके सारे जन्म यही ढूंढने में निकल गए कि इस सबसे बाहर कैसे निकला जाए। और इसलिए उन्होंने मदद ली थी द इमॉर्टल्स की। ये उन लोगों का समूह था जो अमेरिका से भी पुराने थे, जिनके पास बहुत सारे सीक्रेट्स और मिस्ट्रीज थी। और इन लोगों के सामने हॉकमैन अपनी प्रॉब्लम रखता है, जो कि ये थी कि वो और उसकी वाइफ दोनों ही अपने एनिमी हाथसेट के साथ अक्सर मारे जाते हैं। वो हर एक बार नया जन्म लेते हैं और हाथसेट के हाथों मारे जाते हैं, और उन्हें इस साइकिल को तोड़कर इससे आजाद होना था। और तभी उन सभी के बीच में छुपा हुआ था रास अल गुल, जो ये सब देख रहा था। और तभी वहां पर एक आदमी उन्हें डैगर ऑफ शज़ाम की ताकत दिखाते हुए उन्हें वो ऑफर करता है। और तब डैगर ऑफ शज़ाम की ताकत देख कर हॉकमैन और बाकी वहां खड़े सारे लोग चौंक जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं बैटमैन को मथाना ग्रीस में, और तभी डायना आकर बैटमैन से कहती है ये किसी भी मॉर्टल के आने के लिए अच्छी जगह नहीं है और यहाँ पर कोई भी ऐसे नहीं आ सकता। और तब बैटमैन उसे कहता है अगर काम इतना जरूरी नहीं होता तो मैं यहाँ पर नहीं आता। और तभी वो मदद मांगता है वंडर वुमन से उस चीज के लिए जो चीज उसे ढूंढनी है, और वो अपना सन ब्लेड उसे देते हुए कहती है ये सन ब्लेड है और इसे अपोलो ने तैयार किया था, ये 12 वेपन्स में से एक है और ह्यूमंस को ये पता नहीं है कि ऐसा भी कोई वेपन एग्जिस्ट करता है। ये बहुत पावरफुल है और इसके साथ तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और जिस मेटल से ये बना है उसे कहते हैं 8th मेटल, तो इसकी लाइट तुम्हें वहां तक पहुंचा देगी जहां तुम्हें चाहिए, सिर्फ इसकी लाइट को फॉलो करते जाओ। और उसे देते वक्त वार्न करती है कि ब्रूस मैं जो कह रही हूँ उसे याद रखना, गॉड्स तुम्हें सन दे रहे हैं लाइट के लिए, इसे डार्कनेस में मत गवा देना। और वो ये सुनते ही वो ब्लेड अपने पास रख लेता है। बैटकेव गौतम सिटी, जहाँ पर जोकर से ड्यूक थॉमस और ग्रीन लैंटर दोनों बहस कर रहे थे, जहाँ पर जोकर उन्हें गुस्सा दिलाकर उस फोर्स फील्ड के अंदर आने के लिए मजबूर करता है, और जहाँ पर ड्यूक थॉमस गुस्से में उस फोर्स फील्ड के अंदर चला जाता है, जिस पर ग्रीन लैंटर उसे शांत रहने को कहता है। लेकिन जोकर उन दोनों को बता रहा था कि वो आखिर उस गुफा से बाहर कैसे निकला और वो वहां से बचा कैसे। तब वो बताता है कि जब वो उस गुफा में डायनेजियम के पूल में गिरा तब उसके सारे गांव भरने लगे अपने आप, और तब उसने एक परछाई देखी, वो परछाई जो वॉल पर थी, वो परछाई थी बैट के पीछे खड़ा बैट, और तब से वो मेरे नसों में है, वो सब जगह है, उसकी आवाज मेरे सर में है और मेरे साथ साथ वो हर तरफ छा चुका है, तुम में भी। और तब वो उन दोनों को उस फोर्स फील्ड से बाहर निकालते हुए खुद भी उस कैद से बाहर निकल जाता है और कहता है कि तुम दोनों ने वो कर दिया जिसकी मुझे जरूरत थी, मैंने कहा था कि वो हम सब में है और तुम लोगों ने आकर एक सर्किट क्रिएट किया मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए। और तभी वो वहाँ से चला जाता है, और तभी ग्रीन लैंटर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लैंटर्न रिंग किस वजह से शॉर्ट हो चुकी थी और वो अपनी रिंग इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तभी कार्टर हॉल कहता है उस हॉक के ट्राइब ने हमारी स्टोरी को एक नया मोड़ दिया, सच कहे तो हमारी स्टोरी वहीं से शुरू हुई, मैं और मेरी वाइफ जिसने उनकी दुनिया और हमारी दुनिया में वो डोर क्लोज करने में अपनी जान गंवा दी, और तब हमने उस मेटल को डिटेक्ट करना शुरू कर दिया। हमने ये जानने की कोशिश की कि उसकी एनर्जी आती कहाँ से है, और इसके लिए हमने वो टेक्नोलॉजी इकट्ठा की जो हमें इसमें मदद कर सकती थी, और इस काम में हमारी मदद की उस डैगर ने। और तब हमें पता चला कि इसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है, जमीन हिलने लगी और उस डार्कनेस ने लगभग पूरा माउंटेन ही हिला के रख दिया, और तब हमारे सामने आई दो आंखें, वो दो आंखें जो पूरी तरह से डार्कनेस में भरी हुई थी, वो राह देख रही थी किसी चीज की। सोनोरन डेजर्ट अरिजोना, जहाँ पर बैटमैन एक सुरंग में उस सन ब्लेड के साथ कुछ खोदते हुए आगे बढ़ रहा था और कंप्यूटर से कह रहा था कि वाइब्रेशन के साथ मैंने यहाँ पर आना शुरू कर दिया और अभी मैं सोनोरन डेजर्ट के नीचे हूँ, ब्लैक लाइटनिंग को अलर्ट भेजो और साथ ही साथ आउटसाइडर्स को भी यहाँ आने को कहो, मुझे उनकी जरूरत है यहाँ पर। और तभी डुप्लेक्स आकर बैटमैन से कहता है बैटमैन रुक जाओ, तुम जो ये कर रहे हो इस वजह से तुम वीकन हो रहे हो, तुम जिस मेटल की तलाश कर रहे हो
वो तुम्हें पूरी तरह से वीकन कर रही है और वो एनर्जी सब कुछ करप्ट कर रही है, यहाँ तक कि तुम्हें भी। और तब वो एक प्रोजेक्शन दिखाता है बैटमैन को, जहाँ पर एक डीमन दीवार तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था और बाकी लोग उसे रोक रहे थे, जहाँ पर वो कहता है ये बहुत ही वीक साइकिक प्रोजेक्शन है, लेकिन तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा, ये सब कुछ करप्ट कर रहा है सब कुछ, और मैं देख रहा हूँ कि ये तुम पर अपनी पकड़ बना रहा है। जिस पर बैटमैन कहता है अगर तुम ये दिखाई रहे हो तो मुझे बताओ कि वो मेटल कहाँ पर है, मुझे उसकी जरूरत है। लेकिन तभी ड्यूब्लेक्स बेहोश हो जाता है और तभी टालिया अल गुल वहाँ पर आकर कहती है ये मुझे अपने बर्थ राइट को लेने से रोक रहा था, मैं भी यहाँ पर उसी के लिए आये हूँ जिस वजह से तुम आए हो, ताकत, और वो ताकत है उस डैगर में जो तुम्हें चाहिए। और जिस पर बैटमैन कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए, जिस पर वो कहती है कि मुझे ये सन ब्लेड चाहिए जिसके बदले में मैं तुम्हें डैगर दूंगी, डैगर ऑफ शज़ाम। जिस पर बैटमैन कहता है मैं अपने बेटे की माँ और अपने दुश्मन की बेटी पर भरोसा तभी कर सकता हूँ जब वो मुझे वादा करे कि जब मुझे उसकी जरूरत होगी तो वो मेरी मदद के लिए जरूर आएगी। और इसी के साथ वो सन ब्लेड उसे देते हुए डैगर ऑफ शज़ाम अपने कब्जे में ले लेता है। वही दूसरी तरफ बैटकेव में जोकर एक मशीन तोड़ते हुए कह रहा था अब इसी के साथ पूरे यूनिवर्स की तबाही रुक जाएगी, लेकिन ग्रीन लैंटर्न और ड्यूक थॉमस उसे लड़ने लगते हैं, लेकिन जोकर उन दोनों पर ही भारी पड़ने लगता है। लेकिन ड्यूक थॉमस से लड़ाई करते वक्त वो ड्यूक थॉमस से कहता है तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर फिट कैसे बैठते हो, बैटमैन तुम्हें यहाँ पर लेकर आया क्योंकि तुम स्पेशल थे। गौतम सिटी के हर एक हॉस्पिटल में एक फैसिलिटी है, एक ऐसी फैसिलिटी कि अगर किसी के ब्लड में मेटल पाया जाए तो वो फौरन डिटेक्ट कर लेती है। वो मेटल ना ही मर्क्यूरी और ना ही आयरन था, वो मेटल कुछ अलग था, वो मेटल जो तुम्हें ताकत दे सके, वो मेटल जो तुम्हें औरों से भी अलग बना सके। और वो ऐसा कहते ही ड्यूक थॉमस उसे आखिरी किक मार के उस खाई में गिर जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं एक शिप के साथ ग्रीन लैंटर और ड्यूक थॉमस दोनों ही उसके सामने खड़े थे, जिसे देखकर जोकर घबरा जाता है। यहाँ पर कार्टर हॉल बता रहा था मुझे हर दिन लगता था कि कभी ना कभी मैं इससे बाहर चला जाऊंगा, कभी ना कभी ये रुक जाएगा और ये एंट्री मेरे आखिरी जर्नल की है। मुझे कहीं ना कहीं विश्वास था कि इस बैरियर को मैं तोड़ सकता हूँ और मैं इस डार्क वर्ल्ड से बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मुझे ये झूठ लगने लगा था, ये लग रहा था कि मैं खुद को ही धोखा दे रहा हूँ। अब मुझे वो डार्कनेस डाउट बनकर मेरे माइंड में प्लाट होती दिखाई दे रही थी, मेरे सोल में डीप तक घुस चुकी थी वो डार्कनेस। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस प्लेन में ड्यूक थॉमस और ग्रीन लैंटर्न ने जोकर को पकड़ रखा था, जहाँ पर जोकर कह रहा था मेरी बात सुनो, इस बार मैं विलन नहीं हूँ, इस बार मैं सबको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा यकीन करो ये कोई मजाक की बात नहीं है। और तभी ड्यूक थॉमस को कुछ होने लगता है और ड्यूक थॉमस के शरीर से एक चमक बाहर निकल जाती है और इसी का फायदा उठाकर वहाँ से जोकर भाग निकलता है। और तभी वहाँ पर बैटमैन आकर पूछता है कि हेल जॉर्डन यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। जिस पर ग्रीन लैंटर उससे पूछता है कि ये सवाल मुझे पूछना चाहिए, पूरी जस्टिस लीग से बचकर तुमने रियल जोकर को यहाँ पर रखा क्यों, आखिर क्यों ऐसा किया तुमने। जिस पर बैटमैन कहता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, ये फाइनल इन्वेंशन था उस चीज के लिए जिस चीज से मैं डरता था, इस सिटी को हमेशा एक बैटमैन चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन इससे पहले ही मैं जोकर के हाथों मारा गया या फिर मारा जाता अगर वो मेटल नहीं होता, वो डायनेशियम नहीं होता, और इस वजह से मैंने अपनी लाइफ, मैंने अपनी मेमोरीज खो दी और अल्टीमेटली मैंने उस मशीन से खुद को रिकंस्टिट्यूट करने की कोशिश की, लेकिन वो मेटल मेरे स्कल के क्रैक्स में अंदर तक घुस चुका था और मशीन एक्टिवेट होने के बाद मुझे कुछ इम्पॉसिबल विजन्स दिखे, ऐसे इम्पॉसिबल वर्जन्स जो कि मेरे थे और वो लगातार मर रहे थे। तभी उसे बीच में रोकते हुए ग्रीन लैंटर्न कहता है तो तुमने ऐसा क्या किया कि तुमने गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। और तभी वो डैगर ऑफ शज़ाम निकालता है और कहता है इसकी मदद से मैं डायमेंशनल फ्रिक्वेंसीज को एनर्जाइज करके उसे अनलॉक कर सकता हूँ। और तभी उस डैगर को देखकर ड्यूक थॉमस को कुछ होने लगता है, उस डैगर की पावर की वजह से ड्यूक थॉमस की पावर्स एक्टिव हो जाती है और उसे वहां पर रखी हुई एक मशीन की कुछ पार्ट्स दिखने लगते हैं। और तभी वो ग्रीन लैंटर्न की रिंग की मदद से उस मशीन को पूरा कर देता है अपनी फिल पावर के साथ। और तभी बैटमैन डैगर ऑफ शज़ाम की मदद से उस मशीन को एक्टिवेट करके उसके अंदर बैठकर देखने लगता है कि आखिर उस चीज का इसके साथ ताल्लुक क्या है। और जब वो इसका लोड सहन नहीं कर पाता तब वो नीचे गिर जाता है, जिस पर ग्रीन लैंटर आकर उसे पूछता है कि ब्रूस तुमने क्या देखा। जिस पर वो कहता है कुछ नहीं, मुझे सिर्फ
डार्कनेस दिखाई दी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और तभी दूसरी तरफ गौतम सिटी के 3000 माइल्स नीचे डार्क क्रिएचर्स आपस में बात कर रहे थे कि आखिरी सील टूट चुकी है, अब हमारा सैक्रिफाइस रंग लाएगा और अब वक्त आ चुका है कि हम उन्हें वो दिखाए जो हम देख रहे थे। लेकिन अगर हमने प्लानिंग के साथ काम नहीं किया तो सारे डार्क डेज ओवर हो जाएंगे और अब बारी है डार्क नाइट्स के वापस आने की। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो तो मुझे कमेंट करें और ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करके मुझे और मेरे चैनल को इंस्पायर करते रहे। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।